गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ अमित वर्मा फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सो अज का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटीरियल, उस न्यू चैप्टर स्टार्ट किया प्लास्टिक। प्लास्टिक एक पॉलीमर है। आप प्लास्टिक की जो आप देख लीए कि प्लास्टिक होंगी की चीज़ है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीनस कि एक कैमिकल प्रोसैस के द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसनों एक पॉलीमर दी फॉर्म दे विच होता है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जो प्लास्टिक जो तैयार होती है अपने इंडस्ट्री दे विच, वो एक पॉलीमराइजेशन प्रोसैस के द्वारा तैयार की जाती है। सो प्लास्टिक नूं ना मैं बाद विच डिफाइन करूँगा, क्योंकि जो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो मेन कन्वर्व करवाने की जरूरत है। प्लास्टिक प्लास्टिक दो तरह की टू टाइप्स की होंगी है। प्लास्टिक एक तो होंगी है थर्मो प्लास्टिक, एक थर्मल सैटिंग प्लास्टिक होंगी है। सो देखते हैं एक दोनों में की फर्क है दो तरह की प्लास्टिक। जिहड़े फर्स्ट है की है थर्मो प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आर द लीनियर पॉलीमर विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। थर्मोप्लास्टिक एक लीनियर पॉलीमर हूँ, तो लीनियर पॉलीमर का नहीं पता होना कि होंगी है, जिस दे विच लीनियर चेन एक लीनियर पॉलीमर बनता है। सो एक प्लास्टिक एक पॉलीमर होंगी है, ठीक है। सो जी थर्मोप्लास्टिक लीनियर पॉलीमर है जो कि सॉफ्ट होंगी है हीटिंग करते, जब उसको गर्म करते हो वह सॉफ्ट हो जाती है, तो बाद ठंडा करते वह हार्ड हो जाती है। तो दैन की होंगे आदि मॉलिक्यूल ऑफ दिस पॉलीमर आर सिंथेसाइज इन द शेप ऑफ लोंग थ्रेड अंडरगो ए नो कैमिकल चेंज इन द मोल्डिंग ऑपरेशन। सो मोलिक जिससे इसका जो लीनियर पॉलीमर होंगे आ उसनों वो एक लोंग थ्रैड की शेप विच हुंदा है, जिसके विच की हुंदा है कि इस दे विच जो हीट करते इसनों कि कोई भी कैमिकल चेंज नहीं हुंदा, ठीक है। समझ आ रही है ना थानू कि इस दे विच जो इसनों हीट कित करते ना थर्मोसैप प्लास्टिक पॉलीमर उसनों उस तो बाद की हुंदा है ये हार्ड हो जाता ठंडा करन ते ठंडा जिदे ही प्रोसैस हुंदा है गर्म करन तो बाद ठंडा हुंदा है, इस दे विच कोई भी कैमिकल चेंज नहीं आता। सो कैमिकल चेंज होंदे नो कैमिकल चेंज कोई भी कैमिकल चेंज होंदे नाल की हुंदा इसनों कि दोबारा इसनों आपां हीट करके दोबारा कोई अलग शेप दे सकते हैं। मीनस की है परमानेंट डीफॉर्म नहीं हुंदा, ठीक है। टैंपरेरी डीफॉर्म हुंदा है, इसनों दोबारा भी डीफॉर्म किया जा सकता थर्मोप्लास्टिक नूं। सो उस दी दो जिहड़ी जो एग्जाम्पल्स आ थर्मोप्लास्टिक दी उह हैगी पॉलीथीन पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी दी फुल फॉर्म हुंदी है। सो पॉलीस्ट्रीन नाइलोन्स एंड एसीटेट। नैक्सट है थर्मोसैटिंग प्लास्टिक। थर्मोसैटिंग प्लास्टिक आर क्लोज लिंक्ड पॉलीमर विच बिकम्स सॉफ्ट ओनली ऑन फर्स्ट हीटिंग एंड विद प्रेशर and get hard permanently on cooling due to chemical change by condensation and polymerization and become unaffected by heat or solvent. Thermoplastic ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ thermoplastic ਦੇ thermosetting plastic thermoplastic ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕ ਪੋਲੀਮਰ क्रिएट हुंदा है, उस दे विच लीनियर पॉलीमर बनता है, इस दे विच क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, जिसने नाल ये की हुंदा है थोड़ी सी उस दा नालों हार्ड हुंदी है। मेन डिफरेंस है कि इस दे इसनों जदों आपां हीट करते हैं सॉफ्ट होंदे हो जांदी है, एंड उस तो बाद जदों इसनों ठंडा करते हैं परमानेंट हार्ड हो जांदा परमानेंट डीफॉर्म हो जांदी है, कि जिस शेप विच आपां नूं ढालना चाहते हैं उस दे विच ये पक्का ही तब्दील हो जांदी है, वो पक्का ही ढाल जाती है, इसनों दोबारा हीट करके दोबारा डीफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो ये मेन डिफरेंस आ कि थर्मोप्लास्टिक के थर्मोसैटिंग प्लास्टिक दे विच। सो इसदी जो एग्जाम्पल्स आ गई एपॉक्सी रिजाइन फिनोलिक रिजाइन एक्सेट्रा, ठीक है।
थर्मोप्लास्टिक दे विच कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होंगी, कोई कैमिकल चेंज नहीं होंदा, ठीक है। तो जिस दे विच इस दे विच थर्मोसेटिंग दे विच परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो जाती है। तो उस परमानेंट डिफॉर्मेशन दे प्रोसैस दे विच की होंदा है, कैमिकल चेंज भी होंदा है, जिस दे नाल की होंदा है ये पक्की तौर पर डिफॉर्म हो जाती है। उसनों दोबारा हीट करके दोबारा डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक दे विच दोबारा डिफॉर्म किया जा सकता है इसनों हीट करके। थैंक्स।